हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी वी आर डिस्कसिंग क्लास टेंस एन सीआर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू और हमें चैप्टर सिक्स में एंड वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर सिक्स पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर सिक्स इन डिटेल इन सेवरल पार्थ सो आईल रिकमेंड यू टू वॉच दोडियोज फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कम इन दिस पर्टिकुलर सेन एंड रिवाइज एंटायर चैप्टर इन वन गो सो so, देखिए हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने पहले पढ़ा था मीनिंग फंक्शंस नेसेसिटीज फिर हमने समझा था कि हाउ मेनी पार्टीज हमारे यहाँ होनी चाहिए मॉरल फोर्स क्या होता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या होता है नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं चैलेंजेस क्या फेस करते हैं और इन पार्टीज़ को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है मीनिंग क्या होता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कुछ लोगों का ग्रुप जो कि आपस में मिलके इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और पावर होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ठीक है ये किसी तरह की पॉलिसीज़ प्रोग्राम पर अग्री करेंगे किसी सिमिलर तरह की इनके सिमिलर तरह के व्यूज़ होंगे और कलेक्टिव गुड को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे सिंस देर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ इन वॉट इज गुड फॉर ऑल द पार्टीज़ तो ये लोगों को ये परसुवेट करते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ दूसरों से ज़्यादा कैसी हैं ए की पॉलिसी अलग होगी आइडियोलॉजी अलग होगी बी की अलग होगी सेम एम सेम होगा दोनों का ठीक है फॉर द बेटरमेंट और यू नो कलेक्टिव गुड तरीका अलग होगा तो ये लोगों को जनता को यही बताते हैं कि मेरा तरीका अच्छा है या फिर मेरा तरीका अच्छा है है ना एंड दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग द पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस अब इनके फंक्शंस क्या करते हैं तो देखिए इलेक्शंस लड़ते हैं पहले तो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रखते हैं वोटर्स के सामने एंड वोटर्स इनको फिर चूज करते हैं डिससिव रोल प्ले करते हैं वैन इट कम्स टू मेकिंग लॉस फॉर द कंट्री क्योंकि पार्टीज ही होते हैं जो आपके पार्लियामेंट में होते हैं राइट right? फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट भी रन करते हैं आपने देखा होगा मेजोरिटी पार्टी रूल है ना हमारे यहाँ जो पार्टी इलेक्शन हार जाते हैं वो अपोजिशन की पोजिशन गेन कर लेते हैं पार्लियामेंट में ही और वहां से उनको प्रेशराइज करते हैं पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन इज वेल आपने देखा होगा अपने काफी एजेंडा एंड प्रो, प्रोपगेंडा चलाते रहते हैं पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाई दिस गवर्नमेंट नाउ हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव हमारे कितनी पार्टीज होनी चाहिए सबसे अच्छा सवाल सो so, डेमोक्रेसी में लोगों के पास होनी चाहिए चॉइसेस ठीक है एंड एवरी सिटीजन शुड बी फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी तो सेंस में देर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्रीज हमारे देश में सेवन फिफ्टी रजिस्टर्स पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन के पास पर सारी की सारी जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती बहुत ही हैंडफुल करती हैं जो भी इलेक्शन जीत पाती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती हैं तो देखिए एक सिस्टम होता है सिंगल पार्टी सिस्टम ठीक है जो कि आपको यूजली चाइना में देखने मिलेगा जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिसको अलाउ किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए दूसरा सिस्टम होता है यू कैन से टू पार्टी सिस्टम जो आपको यूएस एंड यूके में ज्यादातर देखने मिला कि दो पार्टीज का ज्यादा डोमिनेंस होता है ऑल बाकी पार्टीज भी अलाउड होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए लेकिन दो पार्टीज का ही यूजली डोमिनेंस होता है और तीसरा सिस्टम होता है मल्टी पार्टी सिस्टम तो हमारे यहाँ हमारे भारत में हमने अपनाया है मल्टी पार्टी सिस्टम्स वेर वी हैव सेवरल पार्टीज नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और स्टेट पार्टीज क्या होती हैंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो इलेक्शन कमीशन विच इज द बॉडी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन इन आर कंट्री एंड रेगुलेटिंग ऑल द इलेक्शन प्रोसीजर्स थिंग्स एवरी थिंग सो हर एक पार्टी को क्या करवाना पड़ेगा एवरी पार्टी विल हैव टू रजिस्टर इट सेल्फ विद द इलेक्शन कमीशन सी election commission treats all the parties equally but it has given some special fet facilities to large and established parties such as a uh, unique uh, symbol to them official candidates uh, who can use a, a specific election symbol for that particular party they have some privileges and they are recognized parties right and these recognized parties we are going to discuss uh, national see first

is a recognized national party let's talk about the seven recognized national parties uh, as of 2018 so uh, the one is all india trinamool congress aitc bahujan samaj party which is known as the psp uh, bharatiya janta party which is the bjp communist party of india cpi communist party of india marxist cpim indian national congress inc and national congress party ncp so these are the seven Recognized national parties in India, these are the symbols of them, and we have discussed in detail and in depth about them in the uh, sessions in detail. This is a revision session, so I'm just stating out the names of the parties which are the national and recognized national parties. Now, talking about the state parties, the reverse is the condition with the state parties. You will see state parties, election commission, ko state election commission, state party ka recognition deta hai, these are the regional parties as well. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रीजन में है इनका नेशनल वाइज डोमिनेंस भी होता है जैसे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इनका नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं बट बहुत से स्टेट्स में भी हैं एंड देर आर सम पार्टीज लाइक जनता दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड दीज आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी ओनली टॉकिंग एंड नेमिंग सम ऑफ दिज दीज आर द रीजनल पार्टीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैम इन डिटेल सो आई एम नॉट गोइंग टू मैंशन दैम अगेन सो बाई दिस मैप यू कैन सी कि किस किस स्टेट में क्या क्या स्टेट एंड रीजनल पार्टीज हैं ये साउथ इंडिया का मैप है नाउ टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस के पॉलिटिकल पार्टीज क्या चैलेंजेस फेस करती हैं सो फर्स्ट इन द फोमस चैलेंज इज द इंटरनल डेमोक्रेसी सो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपने में ही uh, जो है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है जो मेजर लीडर्स हैं टॉप लीडर्स हैं वही सारे डिसीजंस लिया करते हैं दूसरा चैलेंज ये है कि डायनेस्टिक ससेशनस होते हैं ठीक है कि कोई एक फैमिली ने अगर कोई पार्टी की सीट पकड़ ली है तो वही सारे मेजर डिसीजंस लेंगे तो ये कॉमन जनता है उनको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है थर्ड चैलेंज so, है इज़ अ ग्रोइंग रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज सो जो रिच पीपल होते हैं दे गेट मोर इन्फ्लुएंस्ड इन दीज पोलिटिकल पार्टीज़ और उनको सीट्स मिलना ईजी हो जाता है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है ठीक है तो इस चक्कर में जो कॉमन लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच करने के लिए एंड द फोर्थ वन इज अ वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स लोगों को मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं मिलती है ना हो सकता है कि सपोज यहां से कोई रिच पर्सन है ही गॉट समथिंग राइट सो अब यहाँ पे क्या होगा उसी को सीट मिलेगी तो लोगों को प्रॉपर तो चॉइस मिली नहीं ना थ्रू दिस लेटस्ट लुक एट रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर क्या क्या हमारे यहाँ अब तक रीसेंट एफर्ट्स किए गए हैं पहला तो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए कि लोग डिफेक्ट ना कर पाएँ पार्टीज से फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो मनी और क्रिमिनल्स हैं उनके इन्फ्लुंस को रोकने के लिए कि अब आपको एफिडेविट करना पड़ेगा आपको डिटेल देनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और क्रिमिनल केसेस आपके पीछे जो भी पेंडिंग है उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ेगा इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ऑर्गनाइजेशन इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा इसके अलावा देर आर समजेशंस जो कि बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में आने चाहिए कि भाई अपने इंटरनल अफेयर्स को जो है रेगुलेट करो रेगुलेट करो और इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू वुमेंस एंड वुमन कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स को डिसीजन मेकिंग सीट्स पे भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो एंड देर शुड बी स्टेट फंडिंग यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फंड करे अगर गवर्नमेंट फंड करेगी तो बाहर आप रिच लोगों से या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से और इंडस्ट्रियल हाउसेस से पैसे नहीं लोगे सो दिस इज एट अबाउट दिस सेशन आई होप यू

देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए इन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू बी एस सी परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच